जो अभी भी चर्च में जाते हैं वहाँ पर बताया जाता है कई तरह से प्रलोभन भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जाते हैं मोटरसाइकिल पर इस तरह से घूमते रहते हैं गाँव में और इस तरह से घरों में आते हैं, और जहाँ पर लगता है कि कोई दुखियारी है, किसी कोई समस्या है, तो कहते हैं कि आप चर्च में आओ तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। गरीब तबके के लोगों को ये ध्यान में रखते हुए, बीमार लोग, किसी के पैसों की ज़रूरत, किसी के पानी की मुसीबत में, ऐसे हालातों को देख के ये सीनित करते हैं, और सीनित करने के बाद में इनको ये सर्च में बुलाते हैं। अभी कोटड़ा में 30-32 बीघों के दायरे में अभी बहुत बड़ा सर्च बन रहा है, तो यहाँ के लिए बहुत खतरा हो गया है। हमारे आदिवासी भोले भाले लोगों को बहला फुसला के ईसाईकरण करवाया जा रहा है, इनका हम लोग सख्त विरोध करते हैं, लेकिन विरोध भी किससे करें? यहाँ पे राजनीतिक वाले भी वोटों के खातिर कोई सुनवाई नहीं करते हैं, और बड़ी तादाद में लोगों के आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से मकान है, यहाँ पे अब ये 6 साल तक यहाँ पे आदमी रहा, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी है, और ये यूँ जानबूझ के इनको बहलाते हैं, हालांकि इनके धरातल पर ये कुछ दिखता कुछ नहीं। इसलिए मैं आपके कैमरे के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से लोग हैं, बहुत आदिवासी लोगों को बहला रखा है, दूसरे कास्ट में नहीं, हमारे यहाँ ही इस तरह से है।